Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are good, great, doing good things at your home, studying regularly, right? Good. So I'm back again with a new topic of your grammar book, chapter 7, homophones and homonyms. So I request you all to open your grammar book right now, chapter 7, page 22. Okay? I hope you all have opened the book. Good. So, do you have any idea what are homophones and homonyms? Chalo, hum discuss karte hain. Okay. Words, listen carefully. See in your book right now, words that sound alike but are spelled differently. Wo shabd jinki sound same hoti hai but spelling different hoti hai and have different meaning. और उनका मतलब भी बिल्कुल डिफरेंट होता है आर कॉल्ड होमोफोन्स. रिपीट विद मी, वर्ड्स दैट साउंड लाइक बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. क्लियर हुआ? वो शब्द जिनकी साउंड ध्वनि बिल्कुल सेम है पर उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, उनका मीनिंग भी डिफरेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स. स्पेलिंग क्या है होमोफोन्स की? एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस, होमोफोन्स. अब एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सी इन योर बुक, हील हील. अब स्पेलिंग देखो, एच ई ए एल एच डबल ई एल, मीनिंग डिफरेंट है पर स्पेलिंग भी डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन सेम है. क्या मतलब होता है एच डबल ई एल का? हील मीन्स द बैक ऑफ वन्स फुट, आपके पैर, आपके बैक का पार्ट, फुट का बैक पार्ट, ठीक है? दैट इज योर एच डबल ई एल, हील. अब दूसरा वर्ड जो दे रखा है वो है एच ई ए एल. अब एच ई एल का मतलब हुआ जब आपको चोट लग जाती है ना और जब वो ठीक हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? हील. दैट मीन्स आपकी चोट हील हो गई है, ठीक हो गई है. प्रोनाउंसिएशन सेम है पर मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है. एक और एग्जाम्पल करते हैं. फ्लाउ, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, एफ एल ओ यू आर, स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है. एक है फ्लावर, बहुत सारे फूल, और दूसरा क्या है? आटा, जिसे मम्मी चपाती बनाती है ना, वो वाला आटा. समझ आया? दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स. अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, आपकी एक्सरसाइज है ना ए पार्ट, चलो डिस्कस करते हैं व्हाट आर होमोफोन्स एंड देयर एक्सरसाइज. सो ए एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन ब्रैकेट्स. आई विल डू ओनली वन सेंटेंस विद यू, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. मैं एक सेंटेंस में हेल्प करूंगी सिर्फ, फिर आप खुद करोगे, मुझे पता है. चलो, फर्स्ट सेंटेंस. सिंस मिस्टर मल्होत्रा स्टेज बाय द साइड ऑफ द डैश, ही कैन डैश इट ऑल डे. क्या कह रहे हैं कि मिस्टर मल्होत्रा स्टेज बाय द साइड ऑफ द, उनका घर किस साइड है? ब्रैकेट में क्या आंसर है? दो ऑप्शंस है, एस डबल ई एस ई ए, तो उनका घर किस साइड हुआ? सी की साइड. कौन से वाला? एस ई ए. ही कैन डैश, वो क्या देख सकते हैं? देखना, एस डबल ई. ही कैन सी इट ऑल डे, तो क्या आ जाएगा? एस डबल ई. मिस्टर मल्होत्रा कहाँ रहते हैं? सी के किनारे, ठीक है? और वो क्या देख रहे हैं? एस डबल ई. सारा दिन क्या देखते हैं? देखना, देख रहे हैं. समझ आया? ऐसे ही ऑप्शंस की हेल्प से आपको ये सेंटेंसेस करने हैं. गॉट इट? अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23. पेज नंबर 23 पे दे हैव डिस्कस होमोनिम्स. अब होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोफोन्स तो हमें समझ आ गए, जिनकी प्रोनंसिएशन सेम है पर मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, वो क्या होते हैं? होमोफोन्स. नाउ वी विल डिस्कस होमोनिम्स. चलो पढ़ो मेरे साथ. टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड, वो वर्ड्स जिनकी साउंड सेम है एंड स्पेलिंग
इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, ध्यान रखना है कि स्पेलिंग भी सेम है। हमने होमोफोन्स में क्या किया, प्रोनंसिएशन सेम थी, स्पेलिंग डिफरेंट थी। होमोनिम्स में क्या है, साउंड सेम है, प्रोनंसिएशन सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, बट इसका मीनिंग डिफरेंट है। पढ़ो अखबार से, टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड एंड स्पेलिंग, साउंड भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, बट डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोनिम्स। समझ आया, मीनिंग डिफरेंट है, साउंड सेम है, स्पेलिंग सेम है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, लेफ्ट, लेफ्ट देता है तो लेफ्ट साइड जाना, ठीक है। एक होता है लेफ्ट छोड़ देना, हुआ ना क्लियर। एक होता है बैट, क्रिकेट बैट बॉल, एक होता है बैट चमगादड़, नॉकटर्नल एनिमल। समझ आया, कितना आसान है ना, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। और मुझे पता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं ये दोनों, एक बार दोबारा से करें रिपीट। होमोफोन्स, वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, साउंड सेम है बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। ठीक है, होमोनिम्स, टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड एंड स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोनिम्स। अब होमोनिम्स की एक्सरसाइज करें, लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ होमोनिम्स। आई डू ओनली वन सेंटेंस विद यू, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू डू इट। चलो पेज 24। सो इन द बॉक्स, यू कैन सी इन द बॉक्स यू हैव गिवन वन वर्ड बो, एंड आउट ऑफ दैट वर्ड यू हैव टू मेक अ सेंटेंस। अब बो क्या होती है, बी ओ डब्ल्यू, जो बो होती है आप टाई होती है जहां पे आप पहनते हो उसको क्या कहते हैं, बो। और दूसरी बो क्या होती है बताओ मुझे, वेपन, बो ऐसे करके खींचते हैं, दैट इज योर वेपन बो। ठीक है, अब इसका हमने क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। बनाओगे ना इसका सेंटेंस, चलो बनाते हैं हम लोग इसका सेंटेंस। लॉर्ड रामा कैरेड अ बो, श्री राम भगवान जी हमेशा अपने पास धनुष बाण रखते थे, ठीक है, एंड एन एरो विद हिम। ठीक है, समझ आया, लॉर्ड रामा कैरेड अ बो एंड एन एरो विद हिम। अब जो बो बच्चे लगाते हैं, छोटी सी टाई होती है, उसका क्या मतलब होता है, उसका सेंटेंस, द बो दैट द बॉय वॉज वेयरिंग वॉज रेड। जो बच्चे ने छोटी सी बो लगा रखी थी ना, वो किस कलर की थी, रेड। ठीक है, समझ आया बो का मतलब, सारी चीजें क्लियर हुई, गुड। सो आई होप होमोफोन्स एंड होमोनिम्स आर क्लियर टू यू। नाउ यू हैव टू डू द एक्सरसाइज, यू हैव टू ट्राई, ओके। फ्रॉम माई साइड, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।